हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं खास खास सी बधाइयाँ यानी विशेज यानी मुबारकबाद, वो भी बहुत ही खास से फेस्टिवल के लिए यानी ईद के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग ईद की मुबारकबाद और भी अच्छे ढंग से कैसे दे सकते हैं, वो भी बिना ईद मुबारक कहे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट हमारा है सेवर द जॉयज ऑफ ईद। इसका हिंदी में मतलब है ईद की खुशियों का आनंद ले। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सेंडिंग यू लव एंड लाइट दिस ईद। इसका हिंदी में मतलब है कि इस ईद के मौके पर यानी इस खास से त्यौहार के मौके पर मैं अपनी तरफ से आपको प्यार और प्रकाश यानी रोशनी भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ। तो ये भी बहुत ही प्यारा सा तरीका है, ईद मुबारक की जगह आप चाहें तो इस फ्रेज़ का भी इस्तेमाल करके अपनी ईद को और भी ज़्यादा रोशन बना सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इन्जॉय दिस स्पेशल डे ऑफ अल्लाह और गॉड। तो यहाँ पर आप ईद की बधाई देते हुए ये कह रहे हैं कि ये जो ख़ास दिन है अल्लाह का या गॉड का या ईश्वर का, उसका आप आनंद लें। तो ये भी बहुत ही प्यारा तरीका है ईद मुबारक बोलने का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मे अल्लाह और गॉड ओपन ऑल डोर फॉर यू। यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि मैं आपके लिए कामना करता हूँ या करती हूँ कि जो अल्लाह है यानी ईश्वर है वो आपके लिए सभी दरवाजे खोल दें। यहाँ पर है सभी दरवाजे का मतलब जो खुशियों के दरवाजे हैं, अच्छे स्वास्थ्य के हैं, बरकत के हैं और भी जो भी आपकी अच्छाई कर सके वो सारे दरवाजे अल्लाह आपके लिए खोल दे। मैं आपके लिए कामना करता हूँ या करती हूँ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मे यू फील द मैजिक ऑफ ईद ऑल ईयर। यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि मैं आपके लिए कामना करता हूँ या करती हूँ कि जो ईद का जादू है यानी जिस दिन ईद होती है उस दिन आपको पता है कि ढेर सारी खुशियाँ होती हैं, अच्छा अच्छा खाने को होता है और बहुत सी प्रार्थनाएँ होती हैं, दुआएँ होती हैं, बहुत कुछ होता है फ्रेंड्स। तो वो जो जादू है वो आपके ऊपर सालों साल बना रहे यानी आपका हर एक दिन ईद जैसा हो। तो बहुत ही प्यारी सी बधाई है, आप जिसे देंगे वो भी बहुत ज़्यादा खुश होगा आप जिसे इस तरीके से विश करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आई होप योर ईद इज़ एज स्वीट एज यू आर। यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि मैं आपके लिए कामना करता हूँ या करती हूँ कि आपकी जो ईद है वो इतनी ज़्यादा प्यारी हो, इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो, इतनी ज़्यादा खुशनुमा हो जितने ज़्यादा आप प्यारे हो। तो बहुत ही प्यारा सा तरीका है प्यारी सी ईद को विश करने का। तो आइए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मे अल्लाह और गॉड ब्लेस यू विथ विजडम ग्रेस एंड गुड हेल्थ एंड गुड वेल्थ इन दिस ईद। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ईश्वर से यानी अल्लाह से प्रार्थना ये कर रहे हैं जिन्हें आप बधाई दे रहे हैं उनके लिए कि अल्लाह आप पर अपनी कृपा बनाए रखे, आपको बुद्धि दे, आपको अच्छा स्वास्थ्य दे और ढेर सारा धन दौलत दे इस ईद के मौके पर। तो फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी सी विश है, आप चाहें तो इस तरीके से भी किसी को ईद पर बधाई दे सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर आप खाने पीने के बहुत ही शौकीन हैं तो इस तरीके से आप किसी को बधाई दे सकते हैं ईद की, जैसे इंजॉय द फीस्ट एंड सेव मी अ प्लेट, हैप्पी ईद। यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि आपको ईद की मुबारकबाद और आप ईद की दावतों का खूब आनंद ले, खूब मजे ले, लेकिन हाँ मेरी एक बात याद रखें, मेरे लिए भी एक प्लेट जरूर बचा के रखें। तो काफ़ी प्यारा सा तरीका है, इस तरीके से आप चाहें तो ईद की बधाई दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जो मैंने सारी विशेज बताई हैं वो सब आपके लिए हैं और मैं चाहूँगी आपकी ईद बहुत ही हैप्पी हैप्पी हो। तो यहीं से फ्रेंड्स, अब हमारा वीडियो फिनिश होता है। आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।